छोड़ दी, ये जो कि एक बिल्कुल एक गलत तरीका है यूट्यूब पे चैनल बना के उसको रन करने का। ठीक है, ये थी मेरी सबसे बड़ी गलती, जो मुझे इलम नहीं था वो मैंने गलतियाँ की। मैं आपको वो गलतियाँ बताऊँगी कि अब आप ना करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने जो है ये चैनल पे व्लॉग कैटेगरी क्यों जो है सिलेक्ट की, 2024 में व्लॉग कैटेगरी क्यों बेस्ट जा रही है, ये मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में साथ रहिएगा। तो चले चलते हैं, ये मैं बैठ गई और अब मैं स्टार्ट करूंगी अपनी वीडियो। ये बैठ गई, घुमाओगे ना वो भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि मैंने जो है व्लॉगिंग की कैटेगरी क्यों चूज़ की, मैंने अपनी नीच को व्लॉगिंग पे क्यों रखा, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। 2017 में मैंने जो है ना चैनल स्टार्ट किया अपना, और 2017 में मैंने जो है कुकिंग और बेकिंग से इसको स्टार्ट किया। ठीक है, मुझे नहीं इसके बारे में इतना इलम था, यूट्यूब का मोनेटाइजेशन का ये वो सब कुछ भी नहीं इलम था, क्योंकि ये 2017 में जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, यूट्यूब के चर्चे इतने नहीं थे, लोग थे लेकिन चर्चे इतने नहीं थे, यूज़र इतने नहीं थे, इसकी वजह से मुझे नहीं पता था। मैं वीडियो डाल देती थी, चलो लोग देखेंगे और मैं इसमें खुश हो जाऊँगी, कोई नहीं पता था इसमें अर्निंग भी होती है, ये वो कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने इस पर वीडियो डालनी शुरू की और काफ़ी देर मैंने इसको कुकिंग और बेकिंग के चैनल से ही रखा, जबकि बीच में फिर मैं इसको छोड़ देती थी, फिर डालनी फिर छोड़ दी, फिर डालनी फिर छोड़ दी, ये जो कि एक बिल्कुल एक गलत तरीका है यूट्यूब पे चैनल बना के उसको रन करने का। ठीक है, ये थी मेरी सबसे बड़ी गलती, जो मुझे इलम नहीं था वो मैंने गलतियाँ की। मैं आपको वो गलतियाँ बताऊँगी कि अब आप ना करें उनको, जो बिगनर हैं जो नया बना रहे हैं अपना चैनल वो ये गलतियाँ ना करें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैंने इसको छोड़ दिया, फिर किया तो फिर जो है जी मैंने इस पर जो है वो शॉर्ट वीडियो डालनी शुरू कर दी, फिर वो मैंने फैमिली की शॉर्ट वीडियो डालनी शुरू कर दी, खुद तो नहीं आती थी लेकिन फैमिली की वीडियो डालनी शुरू कर दी। नीच मतलब चेंज हो गई, सब्सक्राइबर मुझे मिले हुए थे सारे कुकिंग और बेकिंग से, और फिर मैंने जो है वो डालनी शुरू कर दी फैमिली की वीडियो शॉर्ट, तो वो फिर मुझे दोबारा सब्सक्राइबर मिले। अब मेरे दो तरह के सब्सक्राइबर हो गए, कैसे, एक हो गए मेरे कुकिंग बेकिंग के और एक हो गए मेरे क्या नाम है फैमिली को देखने वाले सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर भी हम मिक्स हो गए आपस में। तो ये भी मेरी एक सेकंड गलती थी और बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, फिर डाला, फिर छोड़ा, इस तरह करती गई। अब आगे 2024 में मुझे ये लगा कि जो है मुझे ना व्लॉगिंग पे करना चाहिए। व्लॉगिंग का इंटरेस्ट था लेकिन पहले मैं थोड़ी हिचकिचाहट थी, नहीं आती थी, मतलब कुछ ऐसा नहीं सोचा हुआ था कि व्लॉग बनाऊंगी या करूँगी, लेकिन ये कि मैंने फिर 2024 में आगे इसको व्लॉगिंग को जो है वो उसकी नीच को मैंने सेलेक्ट किया और उसी को लेके चली। और उसके बाद मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, पहले तो मैंने इस चैनल पे अपने डाले बेकिंग और कुकिंग के, और जब आपने मैंने सेटिंग की और उसमें मैंने सारे जो टैग्स थे, डिस्क्रिप्शन थी और जो भी सेटिंग थी उसमें मैंने लिखा हुआ था व्लॉगिंग और बेकिंग से रिलेटेड कीवर्ड लिखे हुए थे। ठीक है, और जब फिर मैंने ये डालने शुरू किए हैं व्लॉगिंग के, उसके साथ मुझे अपनी जो है कीवर्ड भी चेंज करने, कीवर्ड भी मैंने चेंज किए। क्यों? क्योंकि मैंने व्लॉग की नीच सेलेक्ट की है तो उससे रिलेटेड जो है मुझे कीवर्ड डालने पड़ेंगे। इस तरह ये होगा कि मेरी जो व्लॉग की वीडियो है वो कुकिंग बेकिंग की तरफ नहीं जाएगी, वो व्लॉग जो व्लॉग देखते हैं उनकी तरफ जाएंगी। ठीक है, ये दो आपने लाजमी, अगर आप चैनल पे अपना नाम चेंज करते हैं, नीच चेंज करते हैं, तो उस नीच के हिसाब से आप कीवर्ड भी उसके चेंज करेंगे, लाजमी आपने करना है, अदरवाइज आपकी वीडियो डेड पड़ी रहेगी। YouTube को समझ नहीं आएगा एल्गोरिथम को कि आपकी व्लॉग की वीडियो बेकिंग में भेजनी है या बेकिंग की गेमिंग में भेजनी है, इसलिए जो नीचे आप सेलेक्ट कर लें उस पर वीडियो बनाएं वही कीवर्ड आपने सेटिंग में लाजमी लगाने हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, फिर मैं जो है ना रेगुलर तो नहीं रहती थी और व्यू भी नहीं आते थे, आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो चैनल है ना वो डेड होना शुरू हो गया, मींस बैठना शुरू हो गया। फिर अब 2024 में मुझे आया कि जोश, मैंने जो है व्लॉगिंग करनी है, शौक भी बहुत था, बनाती भी थी, टिकटॉक भी बनाती थी अभी, लेकिन मोबाइल की हद तक उसको सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करती थी। अब जो है आगे 2024 में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, मैं वीडियो बनाती हूँ व्लॉगिंग की, और उसके बाद मैंने अपने जो चैनल है उसमें सेटिंग भी चेंज की है सारी, वो अगर आप पूछना चाहें कमेंट्स में पूछ सकते हैं सेटिंग के बारे में, उसमें भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, जो भी चाहें आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं 24 आवर्स का रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है
मैंने व्लॉगिंग जो है नीच सेलेक्ट कर ली हुई है और इसमें मुझे मज़ा भी आता है और ये मेरे लिए बहुत ईजी है। कुकिंग बेकिंग भी अच्छी थी, मेरा एक बहुत शौक था, पैशन था मेरा, लेकिन ये उस पर मेहनत, फिर फैमिली के साथ उसको टाइम निकालना, दो दो तीन तीन घंटे बेकिंग कुकिंग में लग जाते हैं, और उसके अलावा फिर एडिट करना ये वो सारा, ये मेरे लिए इतना ईजी है ना व्लॉगिंग, बस कुछ भी नहीं सोचा समझा होता, जो ही हम बाहर गए हैं घर बैठे जेन में आते हैं और बस माइक पकड़ा और वीडियो पकड़ी तो स्टार्ट हो गई। तो जो भी 2024 में जो शौक रखते हैं व्लॉगिंग का वो ज़रूर करें, ज़रूर आज से ही अपना चैनल आप क्रिएट करें व्लॉगिंग का और उस पर आप जो है रोज़ाना डालें वीडियो, उसके लिए आप टाइम सेलेक्ट कर लें। अगर रोज़ाना 5 बजे वीडियो डाल रहे हैं तो आपने अगले दिन भी 5 बजे डाली। इसकी मैं एक सिंपल मिसाल देती हूँ आपको, देखें जब हम प्राइवेट चैनल पे वीडियो पे या प्राइवेट चैनल पे हम ड्रामा वगैरह देखा करते हैं या देखते थे, ठीक है, हमें होता था, हमें बताया जाता था रात 8 बजे जो है ये ड्रामा फला फला ड्रामा वो जो ऑन ईयर आ जाएगा, ठीक है, हम रात 8 बजे पहले से रेडियो के बैठ जाते थे। इसी तरह यूट्यूब का भी यही है, अगर आज आपने व्लॉग 8 बजे डाला है तो अगले दिन भी आप मिसाल के तौर पे 8 बजे डालें, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस होती है वो उतने बजे एक्टिव होती है देखने के लिए। अगर एक दिन 8 बजे डालेंगे अगले दिन 5 बजे डालेंगे तो आपकी ऑडियंस जो है वो कन्फ्यूज़ भी हो जाएगी और वो कहेगी कि इनका मतलब टाइम नहीं होगा ना आपका, तो वो फिर उस तरह वो चली जाएगी वहां से आपकी ऑडियंस जो है ना, तो इसलिए ये चीज भी आपने जो है वो ज़हन में रखनी है कि टाइम पे जो है एक टाइम सेलेक्ट कर ले रोजाना, कौन से टाइम डालना है व्लॉग, और रोजाना डालें, रोजाना भी डाल सकते हैं, एक ना एक दिन छोड़ के एक दिन डालें, तो इंशाल्लाह आपकी जो वीडियो है लाजमी वो ग्रो करेगा चैनल भी और वीडियो भी। और इसके अलावा जो है मैंने आपको सारा अपना ये तजर्बा शेयर कर दिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस था यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने जब चैनल स्टार्ट किया जो भी था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी जो आपके माइंड में सवाल हो कुछ भी आप कमेंट्स में वैसे पूछ सकते हैं यूट्यूब से रिलेटेड। इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड वीडियो का, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में आऊँगी, नए एक व्लॉग के साथ आऊँगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट्स करके बताएं, और दिल करें तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय बाय।